नमस्कार, मी रवी कुमार। नॅशनल आवाजच्या या रिपोर्ट मध्ये आपलं स्वागत। 20 वर्षापासून पाण्यासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्याच्या अनंत अडचणीतून आज अखेर पाइपलाइनचे उद्घाटन, परिसरात आनंदाचे वातावरण, मिठाई वाटून केला आनंद साजरा। आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की मौलीगंज भंगार बाजार परिसरात 136 कोटी निधीतून पाइपलाइनचे आज अखेर वरिष्ठ नागरिक जब्बार हाजी ड्रमवाले यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले। सदर पाइपलाइन आमच्या परिसरात टाकून द्या अशी मागणी 20 वर्षापासून करणारा कार्यकर्ता अन्सारी हुसेन गुलाम कादिर यांना अनंत अडचणीचा सामना करावा लागला। मनपा प्रशासनाकडे वारंवार मागणी लावून धरल्यामुळे आज परिसरात आनंद उत्सव पेढे वाटून करण्यात आला। यावेळी परिसरातील एजाज अन्सारी, आबिद मुश्ताक मन्यार, खलील मेहंदी, शकील अहमद, फारूक अहमद उर्फ पलटू पहलवान तसेच आजूबाजू परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। ब्युरो रिपोर्ट, नॅशनल आवाज। अपना भंगार बाजार नजम नगर अस्सीगुड़ी रोड, ये बाद में 20 साल से समस्या थी पानी। 20 साल से मैं बार बार तकरार देता था महापालिका को कि हमारा पानी का मसला हल किया जाए, लेकिन महापालिका ये काम की तरफ ध्यान नहीं देती थी। ऑलरेडी अभी 136 कोटी रुपया पाइपलाइन का आया है। हमारे कुछ नगर सेवकों को सूझबूझ नहीं कि 136 कोटी पाइपलाइन जो आई है इसका फ़ायदा उठाया जाए और हमारे भाग का जो पानी का मसला है वो हल किया जाए। इसी तरह राजकमल टाकिस से शिवाजी नगर तक ये भी एक पाइपलाइन मंजूर हुई है यही काम के साथ। वो काम के लिए कुछ नगर सेवकों ने आयुक्तों को खोटा पत्र देके मेरे काम को रुकावट पैदा कर रहे। ये काम के लिए कार्य सम्राट आमदार अनिल नंदा गोटे और तेजदप्पा गोटे ने हमारी बहुत मदद करा और आज MGP ऑफिस में जाके मैंने कहा अगर से ये काम नहीं होगा तो मैं आंदोलन करूँगा। उसके बाद ये JCB मशीन भेजा गया। आज भी कुछ नगर सेवक जो यहाँ इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो एक काम के लिए रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे मोहल्ले के बुजुर्गों आदमी जब्बा ड्रम वाले इनको मैंने बुलाया, कोई नेता को नहीं बुलाया, हमारे मोहल्ले के जो रहवासी है इनको बुला के और उनके हाथ से मैंने ये काम का उद्घाटन किया। और मैं आयुक्त साहब का भी, गोसावी साहब और जाधव साहब, ये काम के लिए जो भी साहब लोग ने मदद किया है मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पाइपलाइन से अंसार नगर, दिलदार नगर, भंगार बाजार, नजम नगर, अस्सीगुड़ी रोड, ये पाइपलाइन से कम 100 साल तक का पानी का मसला लूँगा। दूसरी लाइन जो राजकमल टाकिस से शिवाजी नगर तक मंजूर हुई है, दिवाली की वजह से वो काम रुका हुआ है, दिवाली के बाद वो काम भी शुरू होगा। वो पाइपलाइन से वल्लीपुरा, माधोपुरा, चांदारा चौक, मौलवीगंज और शिवाजी नगर, ये यहाँ का मसला 100 साल का, 100 साल तक का पानी की समस्या नहीं आएगा। ये काम को देखते हुए शहर में हमारे आसपास के जो मुसलमान नेता है ये काम को कब से रुकावट बना के रखा है। अभी हमारे भंगार बाजार में एक आदमी ने कहा कि इलेक्शन के बाद ये काम शुरू करना। मैं बोला इलेक्शन के बाद भंगार बाजार बंद हो जाएगा क्या? पहले भी चालू है, इलेक्शन बाद क्यों? यानी यहाँ के जो भावी नगर सेवक और जो नगर सेवक है ये लोग ये काम को बहुत रुकावट कर रहे हैं और मैंने बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद ये काम की मंजूरी लिया और आज उद्घाटन के बाद कार्य सम्राट आमदार अनिल अन्ना गोटे और तेजदप्पा गोटे इनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाइक करा, शेयर करा आणि हो, जर आपण आपले चॅनल सबस्क्राइब केले नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा आणि घंटी दाबायला विसरू नका।